रुकिए रुकिए, हम भी आपके संग आ रहे हैं। आइए आइए गुरुवर, आप कहाँ रहने वाले हैं? हमें भली भांति ज्ञात है पंडित रामा कृष्णा, कि आप इतनी सहजता से ये राजमहल उस धूर्त बाला को प्राप्त नहीं करने देंगे। हम तो उसके समक्ष वैसे ही अनभिज्ञ होने का नाटक कर रहे थे, क्योंकि हम भली भांति समझ गए थे कि ये समस्त कार्य आप किसी योजना के अनुसार संपन्न कर रहे हैं। योजना? तो हमारी तो कोई योजना ही नहीं है, है? तो ये राजमहल बाला का हो गया? दुर्भाग्यवश सत्य तो यही है गुरुवर। तो फिर बाला अतिथि कैसे हुआ? आप उसके सत्कार की व्यवस्था क्यों कर रहे हैं? गुरुवर, बाला महोदय को राजमहल की सुरक्षा व्यवस्था के बारे में अवगत कराना है। महाराज ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि... अरे महामंत्री जी भी करवा सकते हैं, उसके लिए आपकी क्या आवश्यकता है? मैं तो केवल महाराज का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ बस। तो हम भी आपके साथ चलते हैं। हमारे होते हुए आप महाराज के प्रतिनिधित्व के अधिकारी कैसे हो सकते हैं? आप तो राजपुरोहित है ना? हाँ? आपका कार्य पूजा पाठ अनुष्ठान करवाना है। बिल्कुल। तो जब बाला महोदय राजमहल में गृह प्रवेश की पूजा करवाएंगे तब आपकी आवश्यकता पड़ेगी। अब तब पधारिएगा। हाँ, अभी जाइए। हाँ। क्यों क्यों क्यों, हम क्यों नहीं चल सकते? आचार्य आप समझ नहीं रहे हैं, वो कहते हैं ना, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा। हाँ, पकड़े गए ना। इसका तात्पर्य ये हुआ कि आप दोनों किसी महत्वपूर्ण प्रयोजन से जा रहे हैं जिसके बिगड़ जाने की आशंका है, है ना, है ना, है ना? आचार्य, हमारा बोलने का ये तात्पर्य नहीं था, हम ये कहना चाहते थे कि... ठीक है ठीक है ठीक, आप प्रस्थान कीजिए। धन्यवाद। जय गुरुजी। ये क्या किया इन्हें आपने, ऐसे कैसे जाने दिया है? हम भली भांति पहचानते हैं इस पंडित रामा कृष्णा को, अवश्य कोई योजना है। महाराज इतनी सहजता से उस दुष्ट बाला को राजमहल हथियाने थोड़ी देंगे। हमें साथ ना लेकर पंडित रामाकृष्णा इस योजना और इस योजना की सफलता का श्रेय लेना चाहता है। तो अब आप क्या करेंगे गुरुजी? आप भी तो इतने दुष्ट, तात्पर्य है कि उस दुष्ट बाला को इस कार्य में सफल तो नहीं होने देंगे ना? गुरुजी आप भी अपनी चमत्कारी बुद्धि का प्रयोग कीजिए ना। करें, कर लिया। हम उन दोनों का पीछा करेंगे। बाला बाला बाला, इतने दिए तो हमने बस भर में नहीं जलाए थे जितने यहाँ इस समय जल रहे हैं। वाह चारू वाह, मुझे तो अपने भाग्य पे विश्वास ही नहीं हो रहा। एक ही रात में हम इतने भव्य राजमहल के स्वामी हो गए, है ना? हाँ बाला, पर इसका योगदान पंडित रामाकृष्णा को जाता है ना, तो वो तुम्हें भरे दरबार में चुनौती देता और ना ही तुम्हारे दिमाग में इतनी अच्छी योजना आती। क्यों? हाँ ये तो सत्य है। क्यों पिताजी, अब ये सब कुछ हमारा है? हाँ पुत्र, ये सब कुछ हमारा है। क्यों राजा जी? महाशय, पंडित रामाकृष्णा और मंत्री जी आपसे भेंट करने की अनुमति चाहते हैं। अनुमति? अवश्य, बुलाइए उन्हें। जी। प्रणाम बाला महोदय। प्रणाम। हम विजयनगर राज्य के महामंत्री तिम्मारुसु आपका इस राजमहल में स्वागत करते हैं। हम इस राजमहल से संबंधित सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी उपलब्ध कराने आए हैं। महामंत्री जी, आप कल सुबह आइएगा, अभी हम अत्यंत शिथिलता का अनुभव कर रहे हैं। अभी हम विश्राम करेंगे। आपको जो भी जानकारी उपलब्ध करानी है वो आप कल कराएं। अरे नहीं नहीं बाला महोदय, आपसे अनुरोध है कि आज रात्रि आप महाराज की शैया पर विश्राम ना करें। क्यों? पंडित रामकृष्णा, आपको संभवतः ज्ञात नहीं है कि अब इस राजमहल पर हमारा स्वामित्व है और इस राजमहल में रखी हर वस्तु पर हमारा अधिकार है। हम जैसा चाहेंगे वैसा उसका उपयोग करेंगे। आप हमें इस पलंग पर सोने से वर्जित कैसे कर सकते हैं? क्षमा करें बाला महोदय,
मैं तो आपकी सुरक्षा की दृष्टि से आपको ये सुझाव दे रहा था। वैसे आपके शरीर का भार कितना है? शरीर का भार जी 60 शेर। ओहो, 5 शेर कम है मंत्रीवर। यंत्र विशेषज्ञ से कहकर सारी यांत्रिक व्यवस्था को तदनुसार बदलना होगा। आपके कहने का तात्पर्य क्या है? वो क्या है कि सुरक्षा को ध्यान में रखकर राजमहल की समस्त शैयाओं को महाराज और महारानी के भार के अनुसार संतुलित किया गया है। पहेलियां मत बुझाइए पंडित रामकृष्ण, स्पष्ट कहिए। मंत्रीवर, अब आप प्रत्यक्ष प्रमाण दे ही दीजिए। उचित है पंडित रामकृष्ण। आप क्या प्रमाणित करना चाहते? आप प्रत्यक्ष देख लीजिए, रखिए। देखा आपने, मेरे कथन का अर्थ यही था। महाराज के अतिरिक्त कोई भी यदि इस शैया पर सोएगा तो ये भाला वहां से आकर सीधा उसके सीने में। नहीं! अरे बाला महाशय तो चिंतित हो गए। ले जाइए, हटाइए इस पुत्र को, दूर कीजिए। ले जाइए। बाला महोदय, आप चिंतित ना होइए, हम कल ही हमारे यंत्र विशेषज्ञ से कहकर इसे आपके अनुरूप बनवा देते हैं। हाँ, और अब सुरक्षा व्यवस्था के लिए हम आपसे कल भेंट करते हैं, जैसा कि आपका आदेश था। हाँ, अब हम आपके आदेश को ना कैसे कह सकते हैं। धन्यवाद। नहीं नहीं नहीं, कल नहीं, आप अभी सभी सुरक्षा नियमों को ज्ञात करवाएं, अभी। उचित है, जैसी आपकी आज्ञा। आई आई ये देखिए, ये एक विशेष प्रकार की कुंजी है। इसे आकस्मिकता की स्थिति के लिए बनाया गया है। यदि आपको ऐसा आभास हो कि कोई वातायन से आपकी वार्तालाप सुन रहा है तो ये कुंजी खींच दीजिए। अरे कुछ भी तो नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ। अरे रे रे रे, ये क्या कर दिया दासू महोदय, ये तो आकस्मिकता की स्थिति में प्रयोग हेतु है, नहीं खींचना चाहिए था। इस प्रकार की ध्वनियां तो राजमहल में आती रहती हैं। आती रहती है? हमारे राजमहल में तो ऐसे कई बरामदे हैं जिसमें से वायु परिभ्रमण करती रहती हैं, तो ऐसी ध्वनियां आती रहती हैं। अरे हमने कहा ना आपसे, वायु परिभ्रमण। वायु है। हाँ। वायु है, वायु। नहीं, पर ऐसा महारानियों के कक्षों में भी होता है? हाँ, सुरक्षा प्रबंध है ना, समस्त कक्ष में भिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, सुरक्षा का प्रश्न जो ठहरा। सुरक्षा? ऐसी सुरक्षा? जी जी जी, आइए मैं आपको सारी जानकारियां देता हूँ, सब दिखाता हूँ। आइए आइए, पधारिए। अब इसे देखिए। इसमें क्या विशेष है? इसमें महारानी अपने बहुमूल्य आभूषण और कीमती वस्त्र रखती हैं। ये तो सामान्य बात है, ये हमें ज्ञात है। ना ना बाला महाशय, राजमहल में कुछ भी सामान्य नहीं होता। इसे खोलने से पूर्व राजमहल में हर किसी को एक विशेष संकेत देना होता है। उदाहरण के लिए महाराज का संकेत था 2 पूर्ण और 1 आधी धीमी ताली। नहीं नहीं, 2 ताली तो हमें समझ आ गई, पर ये आधी ताली कैसे बजाई जाती है? अभी बताता हूँ। ऐसे। अब आप इसे खोलकर देख सकते हैं। आइए। नहीं नहीं नहीं, 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 नहीं। आप ही खोलिए। अरे आप खोलिए ना। नहीं नहीं, आप आओ। डर गए। मैं ही खोलता हूँ। Thank you.
हमारी चोटी को क्या हुआ? आपकी चोटी टेढ़ी हो गई गुरुजी। कैसे? कब से? बहुत समय से गुरुजी। तो बताया क्यों नहीं? बहुत सुंदर लग रही थी इसीलिए। इसीलिए नहीं बताता। तो परंतु ये जंतु की गुरुजी ऐसा लगता नहीं कि चोटी कभी सीधी हो पाएगी। ऐसा प्रतीत होता है कि आपको टेढ़ी चोटी में ही अपना शेष जीवन व्यतीत करना होगा। छोड़ो चोटी को, चोटी के विषय में बाद में सोचेंगे। ये अंदर पंडित रामकृष्ण क्या मुंह सीधा कर रहा है? अवश्य से कक्ष के अंदर जाना होगा। गुरुजी किसी अवस्था में जाएंगे क्या? और किस अवस्था में जाएंगे? चलिए। ये सब हमारा है। हाँ पुत्र, पीछे होकर ही देखो। ये सब आपका है। तो जिस प्रकार आपने कहा उस प्रकार से अगर दो पूर्ण ताली और एक आधी ताली ना बजाए तो उचित है? तो हम आपको बताते हैं कि अगर आपने ताली नहीं बजाई तो इसका क्या परिणाम हो सकता है। देखिए, आइए। आप कृपया पीछे हटे। हट जाइए। गुरुवर, आचार्य, आप ठीक तो हैं? आप ही बता दीजिए। लग तो ठीक ही रहे हैं। तो ठीक ही होंगे गुरुवर। ओहो आचार्य, आपको कितनी बार समझाया है कि किसी भी कक्ष का द्वार खोलने से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है। यदि थोड़ा विलंब हो जाता तो क्या? ठीक है। हमें तो भली भांति ज्ञात था कि तीर और चाकू आने वाले हैं। हम तो बस इस कक्ष में आप सभी को अपने चमत्कार का प्रदर्शन करना चाहते थे। और ये समस्त सुरक्षा उपाय तो साधारण चोरू चक्कों के लिए हैं, हम जैसे सिद्ध पुरुषों के लिए नहीं। देखा मनी, फिर शुरू हो गए हमारे पूज्य गुरुजी के प्रवचन। देख तो कितनी लंबी लंबी फेंक रहे। अरे धनी, इस बुड्ढे के आगे पीछे रहना घातक घातक। इससे जितना दूर हो सके उतना दूर रहना चाहिए। आइए मैं आपको काल वातायन के बारे में जानकारी देता हूँ। आइए आइए। पीछे रह गए। ये है विशेष प्रकार का काल वातायन। यदि कभी ऐसी स्थिति उपस्थित हो जाए कि कोई दुष्ट अपराधी सुरक्षा के सभी नियमों को चकमा देकर आपके कक्ष में प्रवेश कर जाए तो उसे इस काल खिड़की के सम्मुख खड़ा कर दीजिएगा। उससे क्या होगा? बताता। धनी मनी, आप खिड़की के समक्ष क्यों आ गए? देखने के लिए कि काल वातायन कैसा होता है। देख लिया और भली भांति परख भी लिया। साक्षात नरक है। अब हम यहाँ एक क्षण भी नहीं रुकेंगे। हम बाल बाल बच गए। इससे पहले कि हमारा मुंह काला हो हम भी यहाँ से निकल लेते हैं। पंडित रामकृष्ण, आपका प्रदर्शन समाप्त हुआ कि अभी भी कोई सुरक्षा प्रबंध शेष है? न महाशय, अभी तो अनेक हैं। राजमहल है ना, यहाँ कदम कदम पर ऐसी व्यवस्थाएं अनिवार्य हैं। पंडित रामकृष्ण, आपसे निवेदन है कि आप अभी के अभी यंत्र विशेषज्ञ को बुलाकर उन्हें आदेश दें कि ये सारे सुरक्षा प्रबंध निष्क्रिय कर दें। हाँ देखिए, हम तो साधारण से मनुष्य हैं, हमें ऐसी सुरक्षा व्यवस्था की कोई आवश्यकता नहीं है। हम तो रसोई में ही रह लेंगे। रसोई घर में? नाना बाला महाशय, रसोई घर में तो कदापि नहीं। वहाँ राज परिवार का भोजन पकाया जाता है ना, वहाँ तो अन्य कक्षों की अपेक्षा कहीं अधिक सुरक्षा व्यवस्था होती है। तो फिर हम कहाँ रहें? वही तो, कहाँ सोएं?
सेवकों के आगार में सो नहीं सकते, बरामदे में सो नहीं सकते, रसोई घर में सो नहीं सकते, फिर हाँ आप एक कार्य कीजिए, आप सेवकों के स्नानागार में सो जाइए। कैसी बातें कर रहे हैं पंडित रामकृष्ण, वहां तो सारे सेवक स्नान करते हैं, हाथ धोते हैं, वो गंदा पानी, जूठा पानी, वो सब कुछ इन पर गिर सकता है ना। ये तो गहन समस्या उत्पन्न हो गई मंत्री वर्ष, किंतु करे भी तो क्या करें। राजमहल में सेवकों का स्नानागार एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। सोना तो आपको वहीं पड़ेगा, हम आपके लिए चटाई की व्यवस्था भी कर देंगे। हाँ। नहीं नहीं, हम तो वहीं सो लेंगे, आप हमें बस वो स्थान और उस स्थान की ओर जाने वाली दिशा बताएं। जी यहाँ से निकल कर दाएं मुड़ जाइए, फिर बाएं मुड़ जाइए, वहां से सीधा सीधा पहुंच जाएंगे। संभाल के दाएं दाएं। जी, क्या कर रहे हैं? आपको ज्ञात नहीं है ये हमारे राजकीय अतिथि हैं और आप इन पर झूठे पानी के छींटे डाल रहे हैं। जाइए जाइए यहाँ से। सुप्रभात महोदय। सुप्रभात। आपके आदेशानुसार यंत्र विशेषज्ञ से बात हो गई है, उन्होंने महल के सारे सुरक्षा प्रबंध समाप्त कर दिए हैं, अब आप निश्चिंत होकर महल में कहीं भी भ्रमण कर सकते हैं। चारू, अब सारी समस्या समाप्त हुई, अब हम आनंद पूर्वक इस राजमहल का सुख भोग सकते हैं। और अब हमें ये सेवकों के स्नान गृह में नहीं बल्कि महाराजा की शैया पर सोने का सुख भोगना है। महोदय, राजसी रसोई ने सूची भिजवाई है, कृपया अध्ययन कर लीजिए। अवश्य। क्या हो? हे ईश्वर, ये क्या है? ये क्या है वही तो मैं पूछ रही हूँ, आप चिंतित क्यों हैं? 500 सेर देसी घी, 600 सेर चावल, 200 सेर मिर्ची, दाल, 1,000 सेर, ये तो मात्र एक दिवस का है, ये धन व्यय की दूसरी सूची। 10,000 स्वर्ण मुद्राएं राजमहल के सुरक्षा कर्मियों का वेतन, 500 स्वर्ण मुद्राएं सेवकों का वेतन, 500 स्वर्ण मुद्राएं राजमहल के प्रबंध हेतु। एक सूची और भी है, ये लीजिए, क्या है कि महाराज के पास 1,000 हाथी और 10,000 घोड़े हैं, उनके भोजन की व्यवस्था के लिए 10,000 स्वर्ण मुद्राएं प्रतिमा, बाग बगीचे की रखरखाव के लिए 2,000 स्वर्ण मुद्राएं प्रतिमा, अस्त्र शस्त्र के संरक्षण हेतु 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं प्रतिमा, और राजमहल में जलते हुए दीयों के लिए 5,000 स्वर्ण मुद्राएं प्रतिमा, और तो और तुमने हाथी पाल लिया चारू, वो भी श्वेत हाथी, इस हाथी से जल्दी पीछा छुड़ाना पड़ेगा वरना ये हाथी हमें निकल जाएगा। हाथी? कौन सा हाथी है, तुम क्या बोल रहे हो? अरे ये राजमहल नहीं हाथी है, और इस हाथी को पालना हमारे बस की बात नहीं है। तो हम ये हाथी को बेच देते ना, हमें से धन प्राप्त होगा, हम यहाँ से पक्ष निकल जाएंगे। उपहास कर रही हो क्या? विजयनगर में रहकर विजयनगर के महाराजा से ठगा हुआ राजमहल हमसे कौन क्रय करेगा? इसका मतलब हम हमारी चाल में फंस गए बालो। प्रणाम मंत्री वर। प्रणाम पंडित रामकृष्ण, प्रणाम। बाला महोदय, प्रणाम। है तो, प्रणाम प्रणाम। आशा करते हैं कि आपकी राजमहल की पहली रात्रि सुखद एवं आनंददायक रही होगी। मुझे महाराज से मिलना है। परंतु क्यों? यदि आपको कोई असुविधा है तो हमें बताइए, हम उसका निराकरण करेंगे। वैसे छोटी छोटी बातों के लिए महाराज तक हमसे कोई त्रुटि हो गई क्या? हाँ, बताइए ना। अरे नहीं नहीं, मुझे महाराज से ही मिलना है। हाँ। जैसा आप उचित समझें। वैसे पंडित रामकृष्ण ने आपको व्यय की सूची तो दी है ना? हाँ। हाँ, कृपा करके उसका भुगतान करवा दीजिएगा। वो सब बाद में, पहले मुझे महाराज से मिलना है, उसके पश्चात ये सब करेंगे।
बाला महोदय, अब आप ठहरे हमारे राजमहल के विशेष अतिथि, अब आपको ना भी तो नहीं कह सकते ना, जैसा आप उचित समझे। महाराज से हमारी शिकायत मत कीजिएगा। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.